Yes, Mangal Maitri student. Today we have a difference between zoo and wildlife sanctuary. सिर्फ आप आज आपको सिर्फ डिफरेंस करना है इन दोनों में कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है. जू चिड़ियाघर जहाँ पर हम देखने के लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को, उनकी स्पीसीज को, राइट. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर होता है कि जहाँ पर उन्हें एनिमल को रखा तो जाता है लेकिन वहाँ हंटिंग से बचाया जाता है, ठीक है. कि जैसे कि पर्टिकुलर जू एनिमल्स आर कैप्ट इन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी इन पब्लिक एग्जीबिशन. एक पब्लिक एग्जीबिशन की तरह लगाया जाता है कि लोग वहाँ पर आए और वहाँ उसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स को देखें, बच्चे उन्हें देख के बड़े खुश होते हैं. तो दैट इज एक तरह से एग्जीबिशन लगती है, प्रदर्शनी लगती है अलग अलग एनिमल्स की, अलग अलग बर्ड्स जो नॉर्मली हमें नहीं दिखाई देते वो हम चिड़ियाघर में जाके देख सकते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एरिया विच वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर लाइक हंटिंग. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पर एनिमल को इसलिए रखा जाता है ताकि उनका कोई शिकार ना कर सके, हंटिंग से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. दिस इज कॉल्ड दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट. इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट एंड एनिमल मे और मे नॉट अडेप्ट टू द न्यू कंडीशन. ये आर्टिफिशियल हैबिटेट है जहाँ पर उनको हैबिट के अकॉर्डिंग वहाँ फूड भी प्रोवाइड किया जाता है और उनको एक तरह से अडेप्ट किया जाता है न्यू कंडीशंस में. एक उनको वातावरण दिया जाता है वहाँ पर जू में रखने का. एनिमल्स आर कंजर्व विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट इटसेल्फ. यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट होता है कि जैसे नेचुरली वो रहते हैं जंगलों में, उसी टाइप का यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी होती है. पूरा ओपन प्लेस पर प्रोटेक्शन भी रहता है ताकि कोई हंटिंग ना कर सकें. सो दे विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सराउंडिंग. तो उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती सराउंडिंग की. जू में 1% हम कह सकते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है. सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है कि हम आज कम से कम इनका डिफरेंस को समझें कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है. आप इन्हीं को नोट डाउन करेंगे. इफ़ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू.